हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो फॉर क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन कर दी थी, सॉल्व करवा दी थी। आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, पेंसिल हाथ में रखिए, ठीक है। मैं सॉल्यूशन कराता रहूंगा, जो आपके क्वेश्चंस हार्ड हुए उनको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, बाकी के आपको होमवर्क में सेल्फ में सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन 4 डेज, 4 दिनों के लिए एक स्कूल में लगी, ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली। वहां पर टिकट्स जो है, एक काउंटर से टिकट्स जो है वो 4 दिनों तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनल, यानी कि 4 दिनों तक टिकट्स जो है रिस्पेक्टिवली सेल सेल मतलब बेचे गए हैं या बिके हैं, कितने दे रखे हैं आप देख लीजिए। रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751, ये आपके टिकट्स जो है 4 डेज में सेल हुए हैं। Find the total number of tickets sold on all the 4 days. आपको total number, total जब भी पूछा जाए तो आपको add करना है, sum करना है। तो आपको लिखना कैसे है? मैं आपको first question बता दे रहा हूँ, बाकी के आपको self में जो है solve करना है। A book exhibition was held. The number of tickets sold at the counter on the first day. Tickets, number of tickets, number of tickets were sold on day one. ठीक है, आपको डाल देगा 1094 इक्वल करके, ठीक है। ऐसे ही आपको नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे, सेकंड डे कितने सोल्ड हुए हैं सेकंड डे में, 1812, ठीक है। सेम ऐसे ही थर्ड डे इक्वल करके कितना सेल हुआ थर्ड डे, 2050। नाउ फाइनल डे, फाइनल डे में कितने हुए हैं, 2751। नाउ टोटल क्या लिखेंगे, टोटल टोटल नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट वर सोल्ड इन 4 डेज, इनका ऐड कर लेंगे 4 2 5, 4 2 6, 6 1 7, 5 5 10, 11 9 22, carry 8 2 10, 10 और 7 17, 1 carry 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 7707, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शेखर इज द फेमस क्रिकेटर प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर शेखर जो है क्रिकेट प्लेयर है। He has so far scored 6,980 runs in test match. उसने 6,980 runs जो है बना लिए हैं, ठीक है। और he wishes to complete 10,000 runs, और उसकी इच्छा है कि वो 10,000 runs बना ले, लेकिन उसने अभी बनाई कितने, 6,980। How many runs more does runs does he need? उसको कितने रनों की आवश्यकता
और है, तो आप क्या करेंगे 10,000 जो रन्स है लिखेंगे, he wishes to complete runs 10,000, he has scored run is equal to 6,980, इसको लेस कर देंगे जो आएगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि रन डज ही नीड इज इक्वल टू जो भी आपका 10,000 में से लेस करने के बाद में होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर, जो सक्सेसफुल आपको ये थर्ड वाला मैं करवा रहा हूं, सेकंड वाला आपको होमवर्क में करवाया है, ठीक है। क्या करना होगा आपको सेकंड वाले में, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, सॉल्व कर लेंगे। क्या क्या आया आपके भी दे रखा है, इन इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड बोर्ड लिखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड बोर्ड बोर्ड इज इक्वल टू 5,77,500, ठीक है। इसके बाद में जो उसका रिवेल था, जो प्रतिद्वंदी था, उसको कितने पॉइंट मिले, स्कोर 700 वोट्स, ठीक है। नाउ देयर बाय द मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, मार्जिन ऑफ विन द margin successful SUCCESS successful candidate to win the election, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या करना होगा, तो इक्वल करके 5,77,500 लेस कर देंगे 0,07 में से 5 लेस किया नहीं होगा, 5 में से 7 लेस नहीं होगा, तो क्या करेंगे कैरी कर लेंगे, कैरी करने के बाद में हमारा हो जाएगा 15 में से 7 लेस करेंगे 8, यहाँ 6 बचा, 6 में से 8 लेस नहीं होगा, यहाँ कैरी करेंगे 16 में से 8 लेस करेंगे 8, यहाँ बचेगा आपका 6 में से 4 लेस हो जाएंगे 2, 5 में से 3 लेस हो जाएंगे आपका आएगा 2, तो आपका आंसर क्या होगा 2,28,800 वोट्स, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही कीर्ति बुक फोर्स वाला देख लीजिए, सेम है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 लास्ट वीक ऑफ जून, पहले वीक जून के पहले वीक में उसने 2,85,891 में की बुक्स बेची हैं। सेकंड वीक में उसने दे रखा है 4,04,768 की बुक्स बेची हैं। How much was sale for the 2 weeks together? उसको दोनों साल में
इन दोनों सप्ताह में कितनी सेल हुई है, टोटल निकालना है। और इसके अलावा दे रखा है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटेस्ट एंड बाय हाउ मच। और सेकंड इन दोनों में से ये पता करना है किस वीक में सेल ज्यादा हुई है और कितनी ज्यादा हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट आंसर आपका होगा इन दोनों को ऐड करने के साथ, ठीक है। सेकंड आंसर आपका जो दे रखा है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, तो हमें दिखाई दे रहा है जून सेकंड, द सेकंड वीक ऑफ जून सेल जो है ग्रेटेस्ट रही है। हाउ मच, तो आपको सेकंड वीक ऑफ द जून की जो सेल है उसमें से आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून की सेल को लेस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, फाइव डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वन। क्या करना है आपको, एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, क्या करना है ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, उसके बाद में उसका डिफरेंस। तो हम नंबर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या करना है, डिजिट्स हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं डिजिट्स दे रखे हैं, डिजिट्स क्या है हमारे, डिजिट्स है हमारे 6, 2, 7, 4 and 3 एंड 3, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो ग्रेट नंबर होता है यानी सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है उसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 7 सबसे बड़ा है, 7 को लिख दिया, उसके बाद में 6 है, फिर उसके बाद में 4 होगा, फिर उसके बाद में 3 होगा, उसके बाद में 2 होगा, ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर ठीक इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है हमारा 2, फिर उसके बाद 3, 4, 6, 7, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, इसलिए हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंस में क्या करेंगे, 7, 6, 4, 3, 2 लेस 2, 3, 4, 6, 7 इसको लेस कर देंगे, 2 में 7 लेस हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, कैरी करेंगे, कैरी करने के बाद 12 के 12 में 7 लेस करेंगे 5 बचेगा, यहां बचा 2, 2 में 6 लेस होंगे नहीं होंगे, तो यहां से कैरी करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 6 लेस करेंगे 6 बचेगा, यहां बचा 3, 3 में से 4 लेस होंगे नहीं होंगे, यहां से फिर कैरी करेंगे 13, 13 में से 4 लेस करेंगे आपका 9 बचेगा, यहां बचा 5, 5 में से 3 लेस हो जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 2 लेस होगा 5 बचेगा, ये हमारा डिफरेंस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ए मशीन ऑन द एवरेज मैन्युफैक्चरिंग 2825 स्क्रू इन अ डे, एक दिन में एक मशीन जो है 2825 स्क्रू बनाती है, हाउ मेनी स्क्रू डिड इन इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, जनवरी के मंथ में कितने स्क्रूज जो है वो प्रोड्यूस किए गए होंगे। तो आपको पहले लिखना है, क्या लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग स्क्रूज इन अ डे इज इक्वल टू 2825 प्रोड्यूस स्क्रू इन मंथ ऑफ जनवरी 2006 इज इक्वल टू, क्या करेंगे 2825 में 31, जनवरी कितने की होती है 31 डेज की होती है, तो 31 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7th, ए मर्चेंट हैड रुपीस 78592 विद हर, एक मर्चेंट एक व्यापारी है उसके पास में 78590 रुपीस है, she placed on order for purchasing 40 radio set, उसने 40 radio set जो है खरीदने का order दिया at rupees 1200 each, एक जो है radio का set कितने का है 1200 का है, तो 40 set भेजें खरीदने के लिए उसने order किया है। मान लो एक chocolate जो है 5 रुपए की है और आपने 10 order कर दी, तो आपको कितने रुपए देने होंगे, वैसे ही आपको 40 रेडियो सेट उसने ऑर्डर किए हैं और 1200 रुपए यानी 1200 रुपीस जो है ईच है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो जो आपका आंसर आएगा उसको क्या करना है, हाउ मच मनी विल रिमेन विद द आफ्टर द परचेज,
परचेज करने के बाद उसके पास कितनी मनी बाकी रह गई है, तो आपको 78,592 रुपीज है उसके बाद, तो ये जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा उसमें से लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी फर्स्ट टू सेवन तक आपको आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है, उसका उसकी फोटो